प्रणाम, हम नेहा अरोवा देखत बानी उत्तर बंगाल और सिक्किम के नंबर वन लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव राउट समय राउट समाचार। सबसे पहले रोवा सबने के सरस्वती पूजा के हार्दिक शुभकामना। रोवा हमने के एसके लाइव चैनल के सिलीगुड़ी और एकरा पार्श्वर्ती इलाका कुल में क्लासिक सिलीगुड़ी में हैथवे सेटअप बॉक्स के 871 चैनल पे देखत बानी और आगे भी देखम। एकरा अलावा कालिम्पोंग में 870 में देख सकत बानी। समाचार विस्तार से बढ़े से पहले आई एगो नजर डाले जाओ समाचार संक्षिप्त में। पूरा उत्तर बंगाल में पसरल बाटे बरसात के मौसम, यही में मनावल जात बा माँ सरस्वती के पूजा। मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग गैंगटॉक में मारवाड़ी सार्वजनिक भवन के विधिवत कैनी शिलान्यास। प्रधानमंत्री मैनागुड़ी के चूड़ा भंडार सभा स्थल पहुंचला के बाद कैनी जलपाईगुड़ी कोलकाता सर्किट बेंच के उद्घाटन। सिक्किम के रंगपो में वन बस्ती हटावे पे कलकत्ता उच्च न्यायालय आगामी 28 फरवरी तक लगाएगी स्टे ऑर्डर। अब कलकत्ता में मेट्रो चैनल के सामने धरना दिए सिलीगुड़ी के मेयर और विधायक अशोक भट्टाचार्य। नॉर्थ बंगाल से 13 वो खिलाड़ी लिए मध्य प्रदेश में होखे वाला 26वां नेशनल मास्टर्स टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भाग। अब बढ़ती समाचार विस्तार से। सरस्वती पूजा के मद्देनजर पूरा उत्तर बंगाल में पसरल बा बरसात के मौसम, यही में मनावल जात बा माँ वीणा वादनी के पूजा। सरस्वती पूजा के मद्देनजर शुक्रवार से ही बरसात के शुरुआत हो गई बा। शनिवार के भी सिलीगुड़ी समेत उत्तर बंगाल एवं एकरा पार्श्वर्ती इलाका कुल में बरसात भइल। ज्ञात होकर जे तिथि के अनुसार शनिचर एवं इतवार दोनों दिन सरस्वती पूजा बाटे। यही दौरान बरसात के होखला से आदमी लोगन के मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई बा। यही कगार में छोट बड़ लड़की सन भी साड़ी पहन के सरस्वती पूजा में घूम रहल बानीजा और आनंद उठा रहल बानीजा। मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग बेफे के गैंगटॉक में मारवाड़ी सार्वजनिक भवन के विधिवत शिलान्यास और भूमि पूजा कैनी। ई उपलक्ष में मुख्यमंत्री पवन चामलिंग समारोह के संबोधित करत हुए बोली जे सिक्किम में भारी मात्रा में बिहारी उ मारवाड़ी आदमी लोगिन रहे निजा और व्यापार करे निजा। शादी विवाह जैसन कार्यक्रम खातिर शहर के बाहर न जावे पड़े, यही खातिर ई भवन के निर्माण करल जा रहल बाटे। शहर के चिल्ड्रन पार्क में 16,000 वर्ग फीट के निर्माण होखे वाला मारवाड़ी सार्वजनिक सेवा भवन उ पुराना STNM अस्पताल के निचला जगह पे प्रस्तावित कंचनजंगा स्काई के शिलान्यास के उपलक्ष में मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ई बात बोलनी। शुक्रवार के प्रधानमंत्री मैनागुड़ी के चूड़ा भंडार सभा स्थल पहुँचनी, एकरा बाद उ जलपाईगुड़ी कोलकाता सर्किट बेंच के उद्घाटन कैनी। ई अवसर पे जनसभा के संबोधित करत हुए प्रधानमंत्री का बोलनी, चली सुनल जाओस। वरिष्ठ महानुभाव
के हाशमी चौक में आयोजित विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गौतम देव शामिल रहनी। मोदी सरकार के विरुद्ध जम के बोलनी हमला। तृणमूल कांग्रेस लोकतंत्र के बचावे और संविधान के कुचले के मोदी सरकार के कोशिश परास्त करे खातिर पूरा राज्य में धरना प्रदर्शन चलन। यही कड़ी में सिलीगुड़ी के हाशमी चौक में भी धरना प्रदर्शन भइल। इस धरना प्रदर्शन में राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव भी हिस्सा लेनी और भाजपा सरकार और उनकरा नीति पे जम के हमला बोलनी। दार्जिलिंग के सुखिया पोखरी में स्थित रानीवन चाय बगान क्षेत्र में 65 को गोजा मोमो समर्थक घर के आदमी लोग तृणमूल कांग्रेस में होनी शामिल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जैसे ही अब कलकत्ता में मेट्रो चैनल के सामने धरना दिए सिलीगुड़ी के मेयर व विधायक अशोक भट्टाचार्य। सिलीगुड़ी नगर निगम के कार्यालय में मेयर और पार्षद अशोक भट्टाचार्य एगो पत्रकार सम्मेलन में बतैनी जे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी नगर निगम के साथे भेदभाव कर रहल बानी। राज्य सरकार के ऊपर नगर निगम के पैसा ना देवे के आरोप लगात हुए उ बोलनी जे राज्य सरकार के नीति के विरोध में वाम मोर्चा के सभी पार्षद लोगिन से बातचीत करके उ कलकत्ता के मेट्रो चैनल के पास धरना प्रदर्शन करी है। 1,64,95,000 তাহলে 1,64,327 কোটি টাকার বাজেট, মানে রিসিপ্ট, এটা হচ্ছে রেভিনিউ রিসিপ্ট। রেভিনিউ রিসিপ্ট আপনি দেখাচ্ছেন, এই রেভিনিউ রিসিপ্টসের মধ্যে আপনার নিজের আয় কত? আপনার নিজের আয় হচ্ছে 69,533 কোটি টাকা। আপনার এখানে দুটো শেয়ার আছে, একটা স্টেট শেয়ার অফ ইউনিয়ন ট্যাক্সেস অ্যান্ড ডিউটিস, আর একটাকে বলে গ্র্যান্টস ইন এইড ফ্রম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। এটা হচ্ছে তাতে কত, একটা হচ্ছে 62,396 কোটি টাকা পাচ্ছেন, আর আপনি 32,398 কোটি টাকা পাচ্ছেন। 94,794 কোটি টাকা আপনি পাচ্ছেন শুধু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে। আপনার নিজেরটা কত? আপনি নিজের আয় হচ্ছে, একটা হচ্ছে ট্যাক্স, স্টেট ট্যাক্স রেভিনিউ, একটা নন ট্যাক্স রেভিনিউ। এই নন ট্যাক্স রেভিনিউ ধরে 69,533 কোটি টাকা হচ্ছে আপনার নিজের আপনার আয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে আপনি ডিপেন্ড, লোকাল সেন গভর্নমেন্ট, যে কোনো পৌরসভা, তারা টোটালি ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে ওই শেয়ার অফ ট্যাক্সেসের। আর হচ্ছে গ্যারান্টি নেই দেবে, আমি পারবো যদি কেন্দ্র রাজ্য যদি আমাকে টাকা না দেয়? আপনি পারবেন? আপনি তারপরেও আপনি 53,774 কোটি টাকা লোন নিচ্ছেন। আমি বললাম কালকে অর্থমন্ত্রী, আপনি 53,774 কোটি টাকা আপনি লোন নিচ্ছেন, আমার কোনো অধিকার আছে লোন নেওয়ার? আমি তো লোন নেওয়ার, আপনাকে তো গভর্নমেন্টের পারমিশন নিতে হবে, লোন তো আমি পারবো না। তাহলে আপনি লোনও নিচ্ছেন, কিন্তু আপনি স্টেট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পুরো টাকাটাই পাচ্ছেন, আপনাকে কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 1 পয়সার জন্য ডিপ্রাইভ করছে না। ডিপ্রাইভেশন যদি কাউকে করে থাকেন, আপনি করছেন আমাদেরকে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। আমার অবশেষে একটাই প্রস্তাব হবে, আমি সবার সঙ্গে কথা বলবো। মুখ্যমন্ত্রী তো পারমিশন ছাড়াই ওখানে বসেছেন, আমি চেষ্টা করবো পারমিশন ছাড়াই মেট্রো চ্যানেলে গিয়ে আমি বসব। কবে? আমি এর মধ্যেই আমার সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে আমি মেট্রো চ্যানেলে আমি বসতে চাই। মুখ্যমন্ত্রী পারমিশন না নিয়েই বসেছেন, মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করছেন ওটা বেআইনি। এবার আমি বসবো, আইনি হোক বেআইনি হোক, যে আজকে যদি কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের কথা বলেন, আমি এই কথাটাই বলবো, রাজ্যের সাবজেক্টে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না, ঠিক। লোকাল সেল গভর্নমেন্টের সাবজেক্টে রাজ্য হস্তক্ষেপ করতে পারে? सिक्किम के रंगपो में वन बस्ती हटावे पे कलकत्ता उच्च न्यायालय आगामी 28 फरवरी तक ले लगेले बा स्टे ऑर्डर। पश्चिम बंगाल अंतर्गत पड़े वाला रंगपो में वन बस्ती हटावे पे कलकत्ता उच्च न्यायालय आगामी 28 फरवरी तक ले स्टे ऑर्डर लगेले बानी। बेफे से ही रंगपो ग्राम सभा के ओर से दायर जनहित याचिका के सुनवाई करत हुए उच्च न्यायालय दोपहरिया के सुनवाई करत हुए बस्ती हटावे पे स्टे ऑर्डर जारी कैनी। गणेश खाती और दूसरा बस्ती हटावे के विरोध जनात हुए राज्य सरकार उ कंपनी के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दर्ज कैले रहनी। पुल निर्माण से बनबस्ती के 58 घर के साथे धार्मिक जगह भी हटावे के कारण स्थानीय जनता एकरा विरोध में आ गई रहनी जा। पुल निर्माण के काम से बस्ती में रहे वालन के हटावे खातिर स्थानीय आदमी लोगिन द्वारा प्रशासन के विरुद्ध विरोध भी करल गई रहे। न्यायालय बस्ती उच्छेद पर आगामी 28 फरवरी तक ले स्टे ऑर्डर लगावे के बाद हिमालयन फॉरेस्ट विलेजर्स ऑर्गेनाइजेशन एकरा के रंगपो वासी के जीत बतेले बानी। महासचिव लीला कुमार गुरुंग भी बोलनी जे हमनी के जीत बाटे। कारण यही है कि यहाँ पे रोंगपो एक फॉरेस्ट विलेज है,
यहाँ पे 354 लोगों का क्लेम्स ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। तो फॉरेस्ट विलेजर्स का यही कहना है कि जब तक उनको अपना पट्टा लैंड राइट नहीं मिलता है, तब तक जो NHIDCL का रोंगपो बायोडक्ट कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो तब तक नहीं किया जाएगा। का अनुसार 2006 में जो कन्वर्सन होना है, जो हमारा एक्ट पास हुआ है, उसके आधार पर आपको बाद में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट के बाद 13 में एक वो एक कानून जारी किया, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ कि पहले सभी जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट विलेज जो है, वो पहले कन्वर्सन रेवेन्यू बेस में होना पड़ेगा। बाद में जो प्रोजेक्ट करना है वो तो करना ही है, क्योंकि गवर्नमेंट का सिक्योरिटी, हम देश का सिक्योरिटी के लिए वी आर नॉट अगेंस्ट द डेवलपमेंट, ये जो है, लेकिन प्रोजेक्ट है सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी है। यस, वही है, हम उसके अगेंस्ट में नहीं है, हमको खाली ये है कि हमको वो पहले इम्प्लीमेंट कीजिए और बाद में जो कीजिए वो है, हमारा डिमांड ही वही है। मालदा में 100 से ज्यादा कांग्रेसी RSP छात्र परिषद और SFI कर्मी लोगिन होनी तृणमूल कांग्रेस में शामिल। मालदा के हरिश्चंद्रपुर 1 नंबर ब्लॉक के युवा कांग्रेस अध्यक्ष तौफिक अनवर और ब्लॉक कांग्रेस के सदस्य मंसूर रहमान के नेतृत्व में लगभग 400 से ज्यादा कांग्रेस RCC छात्र परिषद और SFI कर्मी लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकनी जा। मालदा स्टेशन रोड स्थित तृणमूल कांग्रेस के नया कार्यालय में मौसम बेंजर नूर के नेतृत्व में सवे कार्यकारिणी तृणमूल कांग्रेस के दामन थमनी। यही दौरान मौसम नूर बोलनी जे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ मजबूत करे खातिर राज्य के विभिन्न पार्टी के समर्थक लोगिन तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहल बानी जा। साथे उ बोलनी, हमनी के गौरवान्वित महसूस कर रहल बानी कि सबसे ज्यादा कांग्रेस कर्मी हरिश्चंद्रपुर ब्लॉक से ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल भइल बानी। हरिश्चंद्रपुर থেকে আমাদের একটা বড় টিম, আমাদের রবিউল ইসলামের নেতৃত্বে আমাদের ওখানকার খুব পুরনো পুরনো যারা কংগ্রেসের লিডারশিপ যারা ছিলেন, মনসুর দা, তারক দা, রসুল দা, তালিক দা, আকবর দা, ইনাদের নেতৃত্বে প্রায় 200-300 খানা ওয়ার্কার আজকে জয়েন করলেন। এবং আমাদের মুন্না দা, সেলিম আক্তার বিশ্বাস, ওনারও খুব পুরনো ফ্যামিলি আছেন, তারা ওনার নেতৃত্বে আমাদের ছাত্র পরিষদের কিছু এবং SFI, RSP এবং কংগ্রেসের অনেক নেতৃত্বে, উনি আমাদের রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের সেক্রেটারি ছিলেন, ওনার নেতৃত্বে এই সবারই নাম আমরা লিখে দিয়েছি, প্রায় সবারই তো দিতে পারছি না আমরা, কতজন আছে টোটাল, কতজন আজকে দিদি জয়েন করছে, প্রায় মানে 500-র উপরে ওয়ার্কার্সরা আজকে জয়েন করলেন দুটো ব্লক থেকে, এবং শুধু রতুয়া না, রতুয়া 1, রতুয়া 2, চাঁচল, এখান থেকে প্রচুর নেতৃত্ব এবং যুবক ভাইরা এনাদের নেতৃত্বে জয়েন করছে। খুব ভালো সাড়া আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে পাচ্ছি, আমাদের কর্মীরা যারা কংগ্রেসে ছিলেন, অন্যান্য দলে ছিলেন, সবাই এগিয়ে আসছেন আমাদের মমতাদির নেতৃত্বে, তারা তৃণমূল করতে চান, শুভেন্দুদার নেতৃত্বে তারা তৃণমূল করতে চান। লেট বানি এগো ছোটা সা ব্রেক রওয়া, বনল রহি এসকে লাইফ কে সাথে। Sunshine High School, an English medium co-educational school affiliated to ICSE Board. Admission for session 2019, pre-nursery to class 9, quality educational. Separate hostels for boys and girls. Confidence building. Leadership programs, games, indoor and outdoor. Co-curricular activities. Pollution free. For admission and prospectus, contact Sunshine High School. Mobile 7797965318 9734015500 3. Papa. E che vuoi, Nino? Non mi metti tutta felice, fatti. Yeee. Che vuoi, Yuri? Osti, ma c'è chi ne cucciutta? Mi riportai? कति किन दिनुस् ल त्यो जुत्ता पनि फटै त हाल्छ। मैले तिमीलाई अस्ति भनेको नि डाक्टर फुटको स्कुल जुत्ता किन्देऊ भनेर, तर तिमी मानेनौ। हजुर, डाक्टर फुट सुविधायुक्त, टिकाउ अनि नचिप्लिने पनि। ब्रेक के बाद समाचार विस्तार से। आगामी दार्जिलिङ लोकसभा निर्वाचन सीट में चुनाव लड़ सकत बानी मानव धर्म के संस्थापक सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष विनय तामाङ भाजपा उम्मीदवार के हरावे खातिर लेले बानी शपथ। सर्वप्रथम त हामीले अगावै घोषणा गरिएको हो कि हामी 2019 को चुनावमा भारतीय जनता पार्टी अनि एनडिए गठबन्धनलाई हामी सपोर्ट गर्दैनौँ भनेर त्यो स्ट्यान्ड आज पर्यन्त राखेका छौँ। अनि हामी अवश्य नै अस्ति 19 तारिक जनवरीमा जुन
ब्रिगेडमा भएको 22 पार्टी जो भारतवर्षभरिको पार्टी मिलेर एउटा तेस्रो मोर्चा खोलिएको छ त्यसमा हाम्रो सहभागिता थियो अनि 22 पार्टीमध्येमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी पनि एउटा घटक दल भएको छ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो कि पूजनीय सतपालजी महाराज उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने, उहाँ यसै पनि हिमाचल प्रदेशबाट जितेर अहिले पनि केन्द्रीय मन्त्रीमा हुनुहुन्छ र हामीलाई हेर्नुहोस् कुनै पार्टीले कुनै चुनावमा उम्मेदवार खडा गर्छ भने त्यसको हामीलाई आपत्ति छैन। यो एउटा इलेक्सनमा जानु एउटा आफ्नो फन्डामेन्टल राइट हो, हामीलाई केही भन्नु पनि छैन। यति हो भारतीय जनता पार्टीको, चाहे अमित शाह नै यहाँ किन नहोस् या प्रधानमन्त्री नै किन नहोस् हामी हरारै छाड्छौँ। यो हाम्रो एकदमै दृढ सङ्कल्पित हाम्रो एउटा स्ट्राटेजी रणनीति भनौँ बनाएका छौँ कुनै हालतले पनि, किनभने 10 अवधिमा भारतीय जनता पार्टीले जुन प्रकारले हामीलाई फल्स प्रमिसेसहरू गर्यो त्यो फल्स प्रमिसेसको चाहिँ हामी उत्तर दिन्छौँ, किनभने अर्को 5 चाहिँ हामी फेरि गुमाउँछ। एउटा नानी जन्मिएको नानी आज 10 पुग्दाखेरि पनि हाम्रो केवल दुईवटा मेन डिमान्ड, बादबाँकी त सेन्ट्रल युनिभर्सिटी के थियो त्यो बाहेक पनि मेन डिमान्ड होइन अलग राज्य अनि अर्को 11 जातिलाई जनजातिको दर्जा दिनुपर्ने 10 पुरा भएन। अब अझ 5 अझै पर्खिनु चाहिँ हामी सक्दैनौँ कि त्यो नानी 15 पुगिरहेको हुन्छ। कलकत्ता में बवाल के बाद आज शिलांग में राजीव कुमार से भी सीबीआई पूछताछ। पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाला मामला में केंद्र के नरेंद्र मोदी और राज्य के ममता बनर्जी सरकार के बीच 2 तक चलल गतिरोध के बाद कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से आज सीबीआई पूछताछ भेल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ई पूछताछ मेघालय की राजधानी शिलांग में तय भेल। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से स्पष्ट तौर पर बोलल गेल रहे जे सीबीआई ई दौरान राजीव कुमार के गिरफ्तार ना कर सकी। सिलीगुड़ी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के ओर से 35वां फूल मेला 18 फरवरी से होके जा रहल बा शुरू। पहाड़ से लगभग 60 गो नर्सरी स्टॉल लगी। सिलीगुड़ी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के महासचिव प्रशांत सेन शुक्रवार के पत्रकार सम्मेलन कर ई जानकारी देते हुए बतैनी जे प्रत्येक साल के जैसे इस साल भी कंचनजंगा स्टेडियम में फूल मेला के आयोजन करल जा रहल बा। उ बतैनी जे ई उपलक्ष में 18 फरवरी के स्टेडियम मेला मैदान में एगो रैली भी निकालल जाए। इतना ही ना 25 फरवरी तक चले वाला ई फूल मेला में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन हुई। उस समस्त शहरवासी लोगों के ई कार्यक्रम में हिस्सा बने के अपील कैनी। संगठन के अध्यक्ष नान्टू पाल, कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप शाह, चेयरमैन अनिल चंद्र शाह उपस्थित रहनी। এবং সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ভাবে আমরা এগুলো করছি যে প্রতি বছর আমরা 30টা করে স্টল রাখতাম নার্সারি কেনা বেচা, এবং এর এত চাহিদা এবং আমাদের কাছে এত রকম বোন আসে, তো এবছর আমরা কি করেছি গোটা পাহাড় উত্তরবঙ্গের সমতল তো বটে গোটা পাহাড়ের বিভিন্ন ভ্যারাইটিস কালেকশন ওরা করে 60 স্টলকে এবছর শিলিগুড়িতে আমরা ডিসপ্লে করছি। এটা একটা রেকর্ড, 30 জায়গায় ডাবল পেয়েছে, তার মানে পুরো মাঠটা এত সুন্দর লাগবে যে স্টল দেওয়া তো খুব সুন্দর সাজায়। এবং ওদের যে কালেক্টিভ প্ল্যান্স গুলো আছে সেই কালেক্টিভ প্ল্যান্স গুলো আমরা শুনেছি যে এমন সব অর্কিড এবং ক্যাকটাস গুলোকে এবছর এই স্টলে ডিসপ্লে করবে, প্লাস কিছু ফ্রুটস প্ল্যান্ট যেগুলো পাহাড় হয় আমাদের এখানে আছে সেই সব ওরা এবছর স্টলে ডিসপ্লে করবে আমাদের কম্পিটিশন ডিসপ্লে। सिलीगुड़ी के एयरव्यू मोड में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुप्रेरणा से पानी टंकी ट्रैफिक पुलिस के ओर से दुपहिया वाहन कुल में हेलमेट ना पहने वाले आदमी लोगों के निःशुल्क हेलमेट बांटल गई। इस अवसर में ट्रैफिक विभाग के अधिकारी लोगों भी उपस्थित रहनी। एसीपी उदय तामंग बतैनी जे ए तरह के अभियान आगे भी लगातार चलत रही। ये हम लोग का अनुभव सेफ ड्राइव सेफ लाइफ अभी हम लोग जो कर रहे हैं मतलब कर ही रहे हैं। आज हम लोग यहाँ एयरव्यू ट्रैफिक गार्ड की ओर से हम लोग आज यहाँ पर एयरव्यू मोड में हम लोग कर रहे हैं। स्पेशली आज हम लोग हेलमेट्स ये सब हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, स्पेशली फॉर लेडीज पीछे में जो बैठी है, जो बीबी हो या बहन हो जो भी हो, उन लोग को फोकस करके आज हम लोग ने उन लोग के लिए थोड़ा हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर रहे हैं। तो आज अभी हम लोग देख रहे हैं आप लोग का मीडिया, आप लोग मीडिया भी इधर है, हम लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पर इतना है, बट पीपल आर देयर वेरी मच अवेयर ऑफ इट। अभी हम लोग का वी जस्ट फील प्राउड दैट पीपल आर फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, पीछे में हेलमेट पहन रहे हैं, सीट बेल्ट लगा रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग। ये बहुत बड़ा संदेश है। वी ऑल्सो फील प्राउड दैट हम लोग ने जो प्रयास करा है ये सही, यहाँ का जितना भी जो आपका जो आपका राइडर्स ड्राइवर जो भी है दे आर फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, ये बहुत बड़ापन है।
तो मैं मीडिया मार्फत से यही मैं संदेश देना चाहते हूँ, प्लीज़ आप लोग वेयर हेलमेट, प्लेन में जो बैठी है उसको भी आप हेलमेट पहनवाएं, बस यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। सिलीगुड़ी के नचिकेता बाल संस्कार शाला गुरुकुल में गायत्री परिवार के ओर से मनावल गेल योग शिविर। सिलीगुड़ी स्थित सुभाषपल्ली में नचिकेता बाल संस्कार शाला गुरुकुल में गायत्री परिवार के ओर से योग शिविर के आयोजन करल गेल, जहां हरिद्वार से आयल दुगो योग गुरु उदित शर्मा और धर्मवीर तिवारी बच्चा लोगन के ना खाली योग करेनी बल्कि योग से होके वाला फायदा के संबंध में भी बतैनी। योग से शरीर मन और आत्मा के कैसे पवित्र रखल जाओस एकरा संबंध में भी लड़का बच्चा सन के जानकारी देनी। योग गुरु विद्यार्थी लोगन के परीक्षा के तैयारी के संबंध में जानकारी दिहनी, साथे के तरह जीवन के उद्देश्य के प्राप्त करल जाओस इस विषय में भी विस्तृत जानकारी दिहनी। गुरुकुल के प्रधान शिक्षक अरुणांशु शर्मा भी इस अवसर में उपस्थित रहनी, दोनों योग गुरु के खादा पहना के सम्मान करल गयी। बिहार के औरंगाबाद में अपराधी सन मॉर्निंग वॉक पे निकलल एगो भाजपा नेता के कनपट्टी में मरनी गोली। औरंगाबाद जिला के हसपुरा थाना क्षेत्र से जलपुरा मोड़ के पास शुक्रवार के भोरे अपराधी सन भाजपा नेता मदन यादव की गोली मार करके हत्या कर दिलन सन। मदन यादव हसपुरा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के रहे वाला रहलन। सूत्र कुलीन से मिलल जानकारी के अनुसार मदन यादव रोज के जैसे ये शुक्रवार के भी टहले खातिर घर से निकलल रहनी, जैसे ये वो जलपुरा मोड़ पे पहुँचनी अपराधी कुल उनकरा शरीर में दूगो गोली मरलन सन। पहला गोली पेट में और दूसर गोली कनपट्टी में जाके लागल। गोली के लगते ही मदन यादव सड़क पे गिर के खून से लथपथ हो गयी। जब गोली लगला के आवाज सुन कर के आसपास के आदमी लोग वहाँ पहुँचनी तो उनकरा के मृत अवस्था में पैनी। नॉर्थ बंगाल से लगभग 13 को खिलाड़ी लिए मध्य प्रदेश में 12 फरवरी के होके वाला 26वां नेशनल मास्टर्स टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भाग। उत्तर बंगाल और सिक्किम के प्रमुख समाचार कुल से अपना आपके अपडेट रखे खातिर एसके लाइफ के यूट्यूब चैनल के अबे सब्सक्राइब करी, साथे बेल आइकन के भी दबाई। एकरा अलावा हमनी के फेसबुक पेज के भी फॉलो करी, लाइक करी, शेयर करी और ओकरा पे कमेंट अवश्य करी। अब तक खातिर इतना ही, रहू आगे बनल रहे एसके लाइफ के साथे। राउट समय राउट समाचार। धन्यवाद।